जरा सोचिए, एक ऐसा देश जहाँ इतनी ज्यादा गरीबी हो, बेरोजगारी हो, क्राइम बहुत ज्यादा होता हो, जगह जगह दंगे देखने को मिलते हो, इलिटरेसी और ओवर पॉपुलेशन हो, आखिर क्या हाल होता होगा इस देश का। यही हकीकत थी सिंगापुर की साल 1965 में। लेकिन देखते ही देखते केवल 25 सालों के अंदर इतना बड़ा टर्न अराउंड आता है कि दुनिया देखती रह जाती है। सिंगापुर एक हाईली डेवलप्ड और एक हाईली इनकम देश बन जाता है और साथ ही साथ एशियाज नंबर वन कंट्री, दुनिया की टॉप 5 रिचेस्ट कंट्रीज में अपना नाम दर्ज कर लेता है। इसे दुनिया के क्लीनेस्ट कंट्री में गिना जाने लगता है। करप्शन रेट ना के बराबर हो जाता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस इंस्पायरिंग स्टोरी को, आखिर ये कैसे पॉसिबल हुआ। सिंगापुर एक छोटा सा देश है, जरा मैप देखिए। इस छोटे से एरिया वाले देश में तकरीबन 60 लाख लोग रहते हैं। एरिया वाइज देखा जाए तो ये 710 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर इंडिया से कंपेयर करें तो सिंगापुर की पॉपुलेशन डेंसिटी है 8,358 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, और वहीं भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी है 464 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। कंपैरेटिवली सिंगापुर इंडिया से बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सिंगापुर को 4 एशियन टाइगर कंट्रीज में गिना जाता है, और 3 अदर कंट्रीज जिन्हें एशियन टाइगर कंट्रीज में गिना जाता है वो है हांगकांग, साउथ कोरिया और ताइवान। ये एक डाइवर्स कंट्री है जहाँ अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। इसमें 5 मेजर रिलीजन्स हैं, हिंदूस, बुद्धिस्ट, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और तायोस। यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप एथिस्ट लोगों का है जो किसी धर्म को नहीं मानते। एक्चुअली में यूनिटी इन डाइवर्सिटी सिंगापुर की ताकत है जो उसे सबसे अलग बनाती है। पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि सिंगापुर का ये हाल कैसे हुआ, इसके लिए इतिहास में वापस चलते हैं। साल 1819 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर जिनका नाम थॉमस राफेल्स था, सिंगापुर को जोहर के सुल्तान से खरीद लेता है। थॉमस राफेल्स ने सिंगापुर को एक फ्री पोर्ट बना दिया। अब जितने भी जहाज यहाँ से गुजरेंगे उन्हें कोई भी फीस नहीं देनी होगी। तब यहाँ फ्री ट्रेडिंग देखने को मिली। साल 1869 में स्विस कैनाल खुला। अब जहाजों को अफ्रीका के चारों तरफ से घूमकर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इस रीजन से यहाँ और भी जहाज आने लगे। इसके पास वाले देश मलेशिया में 2 चीजों, टिन और रबर की इंडस्ट्री काफी पॉपुलर थी। मलेशिया के करीब होने की वजह से सिंगापुर रबर हब भी बन गया। लेकिन इसके पीछे एक डार्क साइड भी चल रही थी। एक्चुअली में ब्रिटिश लोग बंगाल जाकर ओपियम उगाया करते थे, उसकी प्रोसेसिंग करते थे सिंगापुर में। इस काम के लिए ब्रिटिश ने चाइनीज लोगों का इस्तेमाल किया। उन्हें जो ओपियम मिलते थे वो सबसे लो ग्रेड के होते थे। इन फैक्ट्रीज में काम करने वाले चाइनीज लोगों के पास एंटरटेनमेंट का कोई जरिया नहीं था, अपने घरों से दूर थे, जिस वजह से उनमें से बहुत सारे लोग ओपियम एडिक्ट बन गए। ड्रग एडिक्शन की वजह से सिंगापुर में क्राइम रेट बढ़ने लगा, लोग चोरी करने लगे और तरह तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। जब साल 1942 में जापानीज सिंगापुर और मलेशिया पर इन्वेड करते हैं तब यहाँ रहने वाले लोग जापानीज के आगे सरेंडर कर देते हैं। आने वाले 3.5 साल तक जापानीज सिंगापुर पर रूल करते हैं और इसी दौरान जापानीज सिंगापुर को पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। क्राइम रेट इतना बढ़ जाता है कि जगह जगह भयंकर मर्डर देखने को मिलते हैं और ये मर्डर हॉस्पिटल्स में भी देखने को मिलते हैं। हजारों लोगों को फोर्स लेबर की तरह इस्तेमाल किया जाता है और औरतों को ऐसे इस्तेमाल किया जाता है जैसे वो कोई वस्तु या कमोडिटी हो। हजारों औरतों को मलेशिया, चाइना, कोरिया और इंडोनेशिया से लाया जाता है ताकि वो जापानी सोल्जर्स के लिए मौजूद हों। जब 1945 में जापानीज वॉर को हारने के बाद सिंगापुर छोड़कर जाते हैं तब मोर देन 30,000 ओपियम एडिक्ट सिंगापुर में पाए जाते हैं, और दूसरी ओर गैम्बलिंग और प्रोस्टिट्यूशन चारों तरफ देखने को मिलता है। सारी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, पॉवर्टी देखने को मिलती है, लोग बेरोजगार हो जाते हैं, भुखमरी बढ़ने लगती है, हालत काफी खराब हो जाती है। जापानीज के जाने के बाद ब्रिटिश फिर से सिंगापुर को टेक ओवर करती है और यहाँ हालात को कुछ हद तक सुधारने की कोशिश भी करती है। लोगों के लिए कैंटीन्स खोले जाते हैं ताकि भुखमरी की प्रॉब्लम से लोग कुछ हद तक डील कर सकें। जब साल 1959 में प्रॉपर इलेक्शन करवाए जाते हैं तब ली क्वान यू इलेक्शन को जीतकर सिंगापुर के पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इनका मानना था कि सिंगापुर अलोन सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए चाहते थे कि हम मलेशिया से जुड़ जाएं, और यही किया इन्होंने। साल 1963 में इन्होंने सिंगापुर को मलेशिया से मर्ज कर दिया, लेकिन बाद में दोनों देशों के बीच काफी डिफरेंसेस देखने को मिले, कम्युनल टेंशन बढ़ी और रेस के नाम पर राइट्स भी देखने को मिले। साल 1965 में सिंगापुर ने डिसाइड किया कि वो वापस से मलेशिया से सेपरेट हो जाएगा और एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनेगा। ब्रिटिश रूल कंट्री के अंदर अभी भी थोड़ा मौजूद था। साल 1967 में
ब्रिटिश अनाउंस करते हैं कि वो अपने सारे ट्रूप्स को वापस बुला लेंगे और देश को छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन ये सिंगापुर के लिए एक प्रॉब्लमेटिक बात थी, क्योंकि ब्रिटिश का ह्यूज कंट्रीब्यूशन था सिंगापुर को चलाने में। ब्रिटिश फोर्सेस सिंगापुर के लोगों को बहुत सारी जॉब प्रोवाइड करती थी। सिंगापुर की अपनी कोई डिफेंस फोर्स नहीं थी, कोई आर्मी नहीं थी, इसलिए अगर ब्रिटिश जाती तो सिंगापुर अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाता। ड्यू टू दिस ली क्वान यू ने ब्रिटिश से रिक्वेस्ट किया कि वो कुछ टाइम तक और रुक जाए। ब्रिटिश ने उनकी रिक्वेस्ट को मान लिया और ब्रिटिश का देश छोड़कर जाने की टाइमलाइन सेट हुई ईयर 1971। सिंगापुर के पास केवल 4 साल थे अपने देश की हालत को इम्प्रूव करने के लिए, जहां इतने दंगे, ड्रग एडिक्शन जैसी चीजें देखने को मिल रही थी। कोई नेचुरल रिसोर्सेस नहीं था सिंगापुर के पास। यहां से शुरू होती है सिंगापुर की इंस्पायरिंग एशिया का नंबर 1 देश बनने की कहानी। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली क्वान यू सबसे पहले नेबरिंग कंट्रीज के साथ पीस और जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात रखते हैं। साल 1967 में ये एशियन ग्रुप की स्थापना करते हैं, जिसमें 5 देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के फॉरेन मिनिस्टर के साथ में बैठते हैं, जिसका पर्पस ये होता है कि ये सारे देश कोलैबोरेट करें, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में कोऑपरेट करें, पीस और स्टेबिलिटी रखें। उसी साल ली क्वान यू सिंगापुर के लिए नेशनल सर्विस इंट्रोड्यूस करते हैं। इट मीन्स देश का जब हर लड़का 16.5 साल का होगा उसे नेशनल सर्विस के लिए रजिस्टर करना होगा, और जब वो 18 साल के होंगे तब उन्हें आर्मी, डिफेंस या नेशनल सर्विस ज्वाइन करनी पड़ेगी, और ये सबके लिए कंपलसरी किया गया। मेरे ख्याल में एजुकेशन एक मेन रोल प्ले करती है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में, और सिंगापुर ने यही किया। देश में प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी किया, पब्लिक एजुकेशन प्रोवाइड की, गवर्नमेंट इसकी तरफ अधिक फोकस करती है, अच्छे अच्छे स्कूल्स और कॉलेज प्रोवाइड कराती है, पब्लिक एजुकेशन बहुत कम फीस में प्रोवाइड की जाती है। एजुकेशन में भी सिंगापुर ने प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज्यादा फोकस किया, जिसका मेन इंपैक्ट पड़ता है देश के डेवलपमेंट में। वहीं अगर हम भारत में देखें तो लोगों को बेसिक प्रैक्टिकल स्किल्स भी नहीं आती। ये मेन रीजन हो सकता है वाई सिंगापुर इज मोर डेवलप्ड देन इंडिया। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर सिंगापुर के लोगों से प्रॉमिस किया कि सिंगापुर एक मल्टी रेशियल नेशनल होगा, हम कोशिश करेंगे कि दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बने। उन्होंने कहा हम एक सेकुलर कंट्री हैं जहां हर आदमी को बराबर का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन यह सब करना खुद में एक चैलेंज था, क्योंकि जहां अलग अलग धर्मों के लोग रहते हों, कम्युनल टेंशंस इतनी हाई हो, वहां लोगों के दिमाग में डाउट आ जाता है। इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए ली क्वान यू अपनी एक एथनिक इंटीग्रेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस करते हैं। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जितने भी सरकारी मकान हैं, वहां रहने वाले लोगों का रेशियो सेट होगा एथनिसिटी के बिहाव पर। एग्जांपल से देखें तो एक बिल्डिंग जिसमें 22% मलेश रहेंगे, 84% चाइनीज रहेंगे, 10% भारतीय और बाकी माइनॉरिटीज ग्रुप। और ये एक पावरफुल मूव साबित हुआ, जिससे अलग अलग रिलीजन्स के लोग एक साथ रहने लगे, एक दूसरे के पड़ोसी बने और आपस में अच्छे बॉन्ड बना पाए। सिंगापुर ने एक रेशियल हार्मनी डे इंट्रोड्यूस किया, जो हर साल 21 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन स्कूल्स के स्टूडेंट्स दूसरे रिलीजन की कॉस्ट्यूम में ड्रेस अप होते हैं। इट मींस अगर कोई हिंदू है तो वो मुस्लिम का कॉस्ट्यूम पहनेगा, और यदि कोई मुस्लिम है तो वो हिंदू का कॉस्ट्यूम पहनेगा। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ हार्मनी को पढ़ा जाता है। ये स्मॉल स्मॉल थिंग्स काफी इफेक्टिव साबित होती हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने स्वच्छ अभियान जारी किया, क्योंकि ये मानते थे कि किसी भी देश की डेवलपमेंट में क्लीनिनेस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बड़े बड़े कानून बनाए जाते हैं, अगर उनका उल्लंघन किया गया तो भारी भरकम फाइन भरना पड़ेगा। जैसे अगर कोई पब्लिक प्लेस में स्पिट करता है तो $1,000 का फाइन, कोई अगर कूड़ा फैलाता है तो $2,000 का फाइन, और अगर कोई स्मोकिंग करता है तो $5,000 का फाइन। अगली जो प्रॉब्लम थी वो थी स्लम्स एरिया। उनके लिए सरकार एक इम्पोर्टेंट स्टेप लेती है। स्लम एरिया में रहने वाले लोगों को रिलोकेट किया जाता है, उनके लिए हाई राइज बिल्डिंग बनाई गई, इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर सप्लाई जैसी चीजों को प्रोवाइड किया गया। इन सब स्टेप्स का फायदा ये हुआ कि सिंगापुर में ऑलमोस्ट सभी लोगों के पास रहने के लिए छत है, जिसमें 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 80% लोग सरकार द्वारा बनाई गई बिल्डिंग्स में रहते हैं। अगले पॉइंट में जो लोग रोड्स पर अपने ठेले लगाते थे, कहीं ना कहीं वो देश की क्लीनिनेस में खलल डालते थे, इसी कारण से उन्हें भी रिलोकेट किया गया। उनके लिए होलसेल मार्केट भी बनाए गए, सरकार सफाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती थी। अगला पॉइंट आता है हेल्थ केयर को लेकर। सिंगापुर में पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर काफी सस्ते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हजारों बेड्स प्रोवाइड किए जाते हैं।
अगर एनवायरमेंट की बात करें तो साल 1972 में सरकार ने प्लांट अ ट्री को लेकर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया। एक स्पेसिफिक दिन होगा, उस दिन हर व्यक्ति आकर प्लांट लगाएगा और इनिशिएटिव काफी सक्सेसफुल रहा। कुछ ही सालों में लार्ज अमाउंट्स ऑफ प्लांट्स लगाए गए, साथ ही साथ रिवर्स को भी क्लीन किया गया और आज आप देखेंगे तो वर्ल्ड के बेस्ट इंडो गार्डन सिंगापुर में देखने को मिलते हैं और ये टूरिस्ट को काफी अट्रैक्ट भी करते हैं। सिंगापुर का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी एक एग्जांपल सेट करता है। ज्यादा पॉपुलेशन और कम एरिया होने की वजह से गाड़ियों के ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है, गाड़ियों के ऊपर हैवी टैक्स लगाया जाता है, इसलिए गाड़ी खरीदने के मामले में सिंगापुर बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है। और वही पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बसेस और मेट्रोस वर्ल्ड के अंदर वन ऑफ द लीस्ट एक्सपेंसिव है। करप्शन को खत्म करने के लिए इन्होंने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी में इंक्रीमेंट किया, साथ ही साथ पॉलिटिशियंस और मिनिस्टर की भी सैलरी बढ़ाई। अगर ऑलरेडी लोगों की सैलरी इतनी ज्यादा होगी तो वो करप्शन करने के बारे में सोचेंगे ही नहीं, लेकिन अगर फिर भी अगर कोई ऐसा करता है तो उसे भारी फाइन देना होगा और 5 साल जेल में रहने की सजा दी जाएगी। आज के दिन सिंगापुर 4th लीस्ट करप्ट कंट्री है। ये इकलौती एशियन कंट्री है जो पिछले 10 सालों में टॉप 10 में रैंक करती है। तो इस कहानी के हीरो हैं ली क्वान यू, जिन्होंने देश को डेवलप्ड बनाने के लिए इतनी मेहनत की। और आप देखेंगे कि सिंगापुर के अंदर इनका कोई मॉन्यूमेंट या स्टैचू देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहते थे, उनका फोकस केवल देश को डेवलप करना था। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।